lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and calling, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hello, namaste, shashakal, adab, vadakkam. Kaise hain aap sab? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष सोल फैमिली में। तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की जाए, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दरअसल आज वोटिंग है, तो पार्षद पद है, तो और जो है रीवा नगर निगम में महापौर पद के लिए जो है आज वोटिंग है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। तो मैं और मम्मी और रज्जू हम जा रहे हैं। पापा थे तो पापा को भी मैं ले जाता था, और उनकी स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं थी, फिर भी मैं उन्हें जो है वोट दिलाने ज़रूर ले जाता था। खैर चलिए चलते हैं अब वोटिंग के लिए, और सुबह सुबह ये कर लिया जाए जिससे कि क्या है भीड़ नहीं रहेगी फिर, और थोड़ा एनर्जी लेवल लो दिख रहा होगा आपको। तो वजह यह है कि बहुत दिनों से जो है तबीयत ठीक है नहीं मेरी, तो इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो। तो आइए चलते हैं अब वोटिंग के लिए, बाकी लोग भी सब तैयार हैं, जो भी गेट बंद कर रहा है। तो मम्मी तो नहा के ही तैयार हो गई है, तो आइए चलते हैं अब। तो ये रहा अपना पोलिंग बूथ, तो आइए चलते हैं वोट देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैंने तो वोट डाल दिया है, ये देखिए मेरे कमरे में मैं ही बस था। 19वां नंबर था मेरा, और 18 लोग डाल चुके हैं। अभी अज्जू और मम्मी जो है अंदर गए हुए हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएँ फिर चलते हैं घर की तरफ। तो ये लीजिए मम्मी भी आ गई है, अभी अज्जू नहीं आया है, चल दी। तो वो लीजिए अज्जू भी आ गया है, आइए अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं नहाऊंगा और फिर उसके बाद पूजा पाठ करूंगा, तो मिलते हैं। सका में 12 बजे हुए हैं, तबीयत ठीक है नहीं, पर क्या करें, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल था, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बना लूँ। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊँगा, पर कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा छोटा ही सही,
लेकिन एक ब्लॉक डाल दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप सभी से। तो बस मैं अभी अभी नहा के पूजा पाठ करके फुर्सत हुआ हूँ और बस अब नाश्ता करने की तैयारी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा नाश्ते में, पोहा है और चाय है, और ये लड्डू अज्जू के जन्मदिन का है। अभी 11 तारीख को अज्जू का जन्मदिन था तो उसी दिन अज्जू लेकर के आया था, और ये पंजीरी मम्मी ने घर पे बनाई है। तो मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया है, और असल में बहुत दिनों से तबीयत ठीक है नहीं। एक तो ये पैर का जो है दर्द कभी कभी होने लगता है बहुत ज़्यादा, और फिर पिछले कुछ दिनों से जो है फीवर भी है। अभी मैं एक ट्रैवल पे गया था जो है, पर बीच में ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मुझे फिर ड्रॉप करके रिटर्न होना पड़ा घर के लिए, तो वो भी जो है कंप्लीट नहीं हो पाया काम। फीवर रहता है और थोड़ा सा थकान सी लगेगी एकदम, बहुत ज़्यादा थकान थकान सी, बिल्कुल जैसे हाथ शरीर में जोर ही ना हो, पावर ही ना हो, और नाक बंद है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा चेस्ट में अजीब सा भारी भारी सा लग रहा, और ऊपर से क्या हुआ, परसों नहा रहा था तो यहाँ कान में पानी चला गया तो सुनाई भी नहीं दे रहा मेरे को बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से मैंने जो है इस समय मॉर्निंग वॉक वगैरह सारी चीज़ें, इवनिंग वॉक सभी बंद कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ कि शरीर में उतनी एनर्जी समझ में ही नहीं आ रही है। अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं है, लगता है दिखाना पड़ेगा क्योंकि कान भी नहीं खुल रहा है 2-3 दिन से, और नाक भी नहीं खुल रही है, फीवर है तो है ही, तो देखते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ूंगा और फिर यूट्यूब सर्च करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तो फिर बातें करेंगे। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं कुछ वक्त पहले ही मैं अभी सो करके उठा हूँ, खाना वाना खा के और सो गया था, तो लगभग 4 बजे के आसपास उठा था, फिर मम्मी के पास बैठा हुआ था। आज गुरु पूर्णिमा भी है गला भी चोक सा है एकदम से, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आज गुरु पूर्णिमा भी है, और सुबह तो हम जो है डेमोक्रेटिक फेस्टिवल जो है वो मना के आए हैं ये कोड देख करके, और आज एक इम्पॉर्टेंट दिन ये भी है, गुरु पूर्णिमा है, तो मैं सोच रहा था कि दर्शन करने जो है चिरौला चला जाऊँ, तो अपने गुरु के। वैसे कुछ प्लान था मेरा रीवा से बाहर जाने का, गुरु जी से मिलने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, और ट्रैवल मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, नाक बंद है इस वजह से। जब से जो है यूट्यूब छोड़ा है, मतलब छोड़ा क्या, कम कर दिया, बहुत ही कम, 2 हफ्तों 3 हफ्तों में वीडियो डाल रहा हूँ, तो एनर्जी भी थोड़ा सा लो रहती है। उस समय एनर्जेटिक रहा करता था एकदम से, एनर्जी लेवल जो है मेंटेन रहता था डेली टू डेली ब्लॉग डालने में, और वो एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से माइंड सेट रहता था, और अभी थोड़ा सा डल एनर्जी में है, देखते हैं। अभी तो पहला फोकस यही है कि जो है स्वास्थ्य को सही किया जाए, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है आगे यूट्यूब जर्नी का। तो चलिए फिर देर ना करते हुए, क्योंकि फिर रात होने लगेगी और फिर आके पूजा पाठ भी करनी है घर की भी, तो आइए चलते हैं, पहले तैयार होते हैं फिर निकलते हैं। ये लीजिए मैं तैयार हो गया हूँ बिल्कुल, और आइए अब चलते हैं और दर्शन करके आते हैं चरौला हनुमान जी का। तो ये देखिए सामने पक्कू खड़ा हुआ है, हाँ डरिएगा, तो गाड़ी में फ्यूल नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा ना हो कहीं धक्का लगाना पड़े, तो आइए पहले फ्यूल ले लेते हैं। तो पेट्रोल भर गया है और अब टेंशन नहीं है, आइए जल्दी से चलते हैं अब चिरौला मंदिर। तो ये देखिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, पुलिस लगी हुई है और गाड़ियाँ भी अंदर नहीं जा रही हैं, जैसे आइए चलते हैं।
तो ये लीजिए हम लोग मंदिर पहुँच ही गए हैं। जय बजरंगबली। तो आइए अब परिक्रमा कर ली जाए, फिर उसके बाद शिव मंदिर पे चलते हैं। ये रहा शिव मंदिर। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, दर्शन के लिए मिल तो जाएगा, थोड़ा सा भीड़ कम हो। चलिए अपनी बारी भी आ गई। हर हर महादेव। और ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, भोलेनाथ और माता पार्वती का दरबार। तो आइए अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये देखिए दोनों मंदिर, शिव मंदिर भी और ये चिरहुलनाथ जी का जो मंदिर है हनुमान जी का, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये देखिए। तो आइए आपको चिरहुलनाथ मंदिर का जो तालाब है उसको भी दर्शन कराते हैं। रानी तालाब के तर्ज पे ही बना है ये भी। चलो भाई, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, और बैकग्राउंड में आप आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा तालाब है, अभी पानी बहुत कम है इसमें। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते क्योंकि गाड़ी जो है सड़क पे खड़ी हुई है, और उस वजह से ऐसा ना हो कि कोई सिक्योरिटी वगैरह है नहीं। पुलिस लगी है लेकिन इतना ध्यान नहीं देती पुलिस। थोड़ी देर ही रुकूंगा और फिर उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। भाई अब चलते हैं, बहुत देर तक रुकना और गाड़ी को यूज छोड़ना ठीक नहीं है। ये देखिए सड़क के दोनों तरफ मेला भी लगा हुआ है। और ये लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं मुख्य द्वार पे। तो अब देखना ये है कि गाड़ी है कि कोई ले गया। बच गई। चलिए फिर। तो चलिए अब चला जाए घर की तरफ। पानी बरसने वाला है तो आइए चलते हैं जल्दी से घर, नहीं तो भीग जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट घर पे। इधर तो मौसम बिल्कुल साफ है, पानी बरसने का कोई भी आसार नहीं दिख रहा। तो ये लीजिए हम लोग घर पहुंच गए हैं। आइए अब चलते हैं अंदर। अरे खुल जा भाई। तो गाइस अभी मैं घर पहुंचा हूं, और आइए आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम में व्यस्त रहिए, और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली ज़रूर देखते रहिए।